हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। तो जैसा कि मैं आपको अभी तक एक्सेल के ही बारे में ज़्यादा बताता रहा हूँ, मगर आज मैं अपना टॉपिक चेंज कर रहा हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज आप सभी ने सुना होगा, मगर शायद किसी किसी को ये नहीं आता है कि ये कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेल मर्ज यूज़ क्यों होता है। मेल मर्ज का यूज़ ये है कि अगर एक टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों को मेल करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो मैं जीमेल या आउटलुक के थ्रू भी कर सकता हूँ, मगर इसमें क्या होता है कि अगर कंटेंट सारा सेम है और आपको ऊपर सिर्फ नाम या उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी और मैसेज चला जाएगा। जैसे कि डियर आशीष, डियर निहारिका, डियर रोहित, तो सिर्फ नाम नाम चेंज हो जाएंगे और कंटेंट वही रहेगा। और इसके मेल मर्ज के थ्रू हम बहुत सारी फाइल, पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक बारी में, या अगर हमको वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हो एक बारी में तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें मेल मर्ज में जाना है तो हम मेलिंग टैब पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें काफी सारे ऑप्शन आ रखे हैं, लेकिन मगर मैं आपको अभी ईमेल करना सिखाऊंगा कि एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल कैसे करते हैं। तो मैं ईमेल मैसेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब हमारा जो यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, मेरे पास पहले से कंटेंट है तो मैंने वहां पे, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे कंटेंट सबके लिए सेम रहेगा, मगर जैसे डेट, नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें हैं ये मैं फील्ड इंसर्ट करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे डेटा हो कि नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसको ईमेल आईडी क्या है, जिसके थ्रू मैं ये भेज सकूँ। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेंट। तो अभी मैं यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है। तो मैं लोकेशन पे चले आता हूँ जहाँ पे मेरे पे सेव है, यहाँ पे मेल मर्ज लिस्ट, इसे मैंने ओपन करा। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक ही शीट पर डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही शीट दिखा रहा है। अगर ज्यादा में होता तो और दिखाते। मैं ओके करूंगा। अब देखिए यहाँ पे एडिट रेस्टोरेंट लिस्ट आ चुका है। इसमें देखिए आपको ये डेटा दिख रहा है, ये मैंने अपनी एक्सेल शीट के थ्रू इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए जहाँ पे डेट लिखा हुआ है, अब इसकी जगह मैं कुछ एडिट कर दूंगा जैसे जैसे मुझे डेटा चाहिए होगा। तो इसके लिए मुझे फील्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो इसके थ्रू मैं इंसर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं सैल्यूटेशन करूंगा, उसके बाद मैं नेम करूंगा, उसके बाद मैं एड्रेस करूंगा, उसके बाद फिर से मैं यहाँ डियर नेम में एक बार नाम कर दूंगा। अब देखिए विद रेफरेंस टू द इंटरव्यू यू हैव हैड विद अस ऑन, यहाँ पे इंटरव्यू डेट आ जाएगी। ओके, वी हैव प्लेजर इन ऑफरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ, यहां मैं अपना डेजिग्नेशन डाल देता हूं, एट अवर लोकेशन, यहां लोकेशन आ जाएगी, ऑफिस ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअली डिस्कस एंड एग्रीड बाय अस। तो ये सब चीजें मैंने डाल दी है। अब मुझे चेक करना है कि हमारी जो ये सैल्यूटेशन नेम एड्रेस आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया है मिस्टर आशीष रावत नोएडा, डियर आशीष, और यहाँ पे इंटरव्यू डेट आ गई है, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया है। तो देखिए मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट करूंगा तो ये दिखाएगा कि नेक्स्ट हमारा जो था इंटरव्यू क्या थी, ये विवेक कुमार की थी और थर्ड निकिता राय की। तो मैंने तीन यहाँ पे ऐड करे हैं। तो ये तो हमारा हो गया है, बट अब इसको सेंड कैसे करें। तो अब यहाँ पे फिनिश्ड एंड मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना हो, सेंड ईमेल मैसेजेस। तो यहाँ पे मैं सेंड करूँगा क्योंकि मैं ईमेल ही आपको सिखा रहा हूँ करना। तो ये पॉपअप ओपन हुआ, इस पर क्या डालेंगे आपको बताता हूँ। टू पे हम रखेंगे ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू मेल करनी है। सब्जेक्ट लाइन में मैं लिख दूंगा ऑफर लेटर मेल डॉट
मेल फॉर्मेट में HTML ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए ऑल ऑल में सारे मेल्स पे मेल चला जाएगा। करंट रिकॉर्ड में जो करंट एक्टिव हमारा पेज है उसी पे जाएगा। फ्रॉम पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक रेंज, जैसे मुझे 2 से 5 तक के ही डॉक्यूमेंट पे मेल करना है, मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए ये तीनों पे जा चुका है। अब मैं अगर आपको अपना आउटपुट दिखाऊं तो देखिए ये आउटबॉक्स में मेरी 3 मेल आ गई हैं। मैंने निहालिका, विवेक कुमार और ऐश को भेजा था। ओके, तो देखिए अब ये धीरे धीरे मेरी मेल भी जा चुकी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होता है और ये कितना इजी है। तो आज का जो हमारा लेसन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।